हाय एवरीवन, सत श्री अकाल सारे नूं। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पंजाब अड्डे 24/7 ते तुहाडी सारिआं दा। अज है संडे और संडे दा दिन हुंदा अपना मैराथॉन दा दिन। बहुत दिन हो गए तुहाडे नाल जीके जीएस दे क्वेश्चनस नूं डिस्कस किते हुए, ते अज आपां क्वेश्चनस लैके आए हां, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनस। ये है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस, लाइक किसी भी एग्जाम नूं देन जा रहे हो पंजाब दे किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम नूं, तो आप ये क्वेश्चन हमेशा देखते हैं, इन्हों के कॉन्सैप्ट आप देखते हैं कि एग्जाम के आए हुए होंगे ने। तो अज का सैशन इसी क्वेश्चन के उत्ते डेडिकेटिड है। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रॉपरली ऑडिबल तो विजिबल होवगी। तो चलो फिर अज का जोड़ा मैराथॉन है उसकी आप स्टार्टिंग जी है करते हाँ। जय माता दी, जय हिंद। हाउ आर यू गाइज, किमें हो? ओके, तो आज का टारगेट अपना की रहेगा, सब तो पहला सुपर इंपॉर्टेंट 200 MCQs किसी भी एग्जाम में देन जा रहे हो, ता भी तुसी इस क्वेश्चंस नू जरा है रिवाइज कर सकते हो। आप करेंगे PSSSB पटवारी वीडियो सीनियर असिस्टेंट, अगर लैब अटेंडेंट असिस्टेंट दी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ता भी बच्चा ये जरा कह लो लैक्चर है तुहाडे लिए ही है। ठीक है, जल्दी के नाल लैक्चर नू कर दो शेयर, ठीक है, ताकि सारे जड़े है अपने इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जड़े हैं वो आ जान तो इस लैक्चर नू जड़ा है ले लन। हैलो जी, हैलो, करिए फिर लैक्चर नू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, किवें हो? होर सब वधिया? सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। अज बहुत सारे सब्जेक्ट्स इहदे विच इनकलूड किए हैं, लाइक जनरल नॉलेज दे, अगर पॉलिटी गल करिए, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, सारे क्वेश्चन जोड़े हैं इनकलूडिड है, तो तुहानू काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जोड़े हैं ये देखने मिलेंगे। चलो भाई स्टार्ट कर दिया। सब तो पहला क्वेश्चन तुहाड़ी स्क्रीन के उत्ते है। हाँ जी, पहले कुछ तुसी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर उस तो बाद मैं क्वेश्चन जोड़े है सॉल्व करांगी, राइट? तो लैट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन तुहाड़ी स्क्रीन के उत्ते क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप फाइनेंस कमीशन की गल करिए कि आर्टिकल जड़ा है डील करता है, सब तो पहला फाइनेंस कमीशन की है? फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे विच जड़ा है इहदा आर्टिकल तुहाडा इनकलूडिड है, कॉन्स्टिट्यूशन दे विच इहदा डिफाइन है, और प्रेजिडेंट दे द्वारा कह सकते आप हर 5 साल बाद इस जड़ा है लेके आया जाता है, ठीक है, तो 5 साल के बाद आती है। और केड़ा आर्टिकल ये डील करता है? आर्टिकल नंबर 280, वन ऑफ द ईजीएसट क्वेश्चन। 280 आर्टिकल जड़ा है फाइनेंस कमीशन के नाल डील होएगा, है ना, 280 आर्टिकल, ठीक है। चलिए अगे क्वेश्चन दी, और बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन सीगा ये वाला। नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन के उत्ते, पहली कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सैटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 वैन। पहली जी है कॉटन मिल तुम दसनी है कितने आई? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। इसी तरीके क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जिमें फर्स्ट जी ट्रेन सी वो कदों चली? वो अपनी चली सी 1853 के करीब, ठीक है। कई बुक्स के 1854 भी लिखा है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। पहली ट्रेन बॉम्बे टू थाने चली सी। इसी तरीके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जेडे फर्स्ट, अगर आप पोस्टेज स्टैंप की गल करिए, कदों चली? 1854 के करीब चली। और इदा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहला न्यूज़पेपर केड़ा सीगा जेड़ा इस्टैबलिश किया गया, वो केड़ा न्यूज़पेपर सीगा? वो बॉम्बे न्यूज़पेपर सीगा या तुहाडा कह लो हिकी न्यूज़पेपर सीगा? हाँ जी, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया गया सीगा। उस न्यूज़पेपर नू आपा फर्स्ट न्यूज़पेपर कहने आ, उसनू आपा कहने आ बंगाल गजट, नॉट बॉम्बे, ठीक है, बंगाल गजट पहला न्यूज़पेपर सीगा। तो बॉम्बे ना लिखना, बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिकी दे द्वारा। 2 साल ये न्यूज़पेपर चल पाया सीगा, क्योंकि अंग्रेज़ा के खिलाफ उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ा लिखिया, इस करके ये न्यूज़पेपर नू खत्म कर दिता गया। तो फर्स्ट कॉटन मिल की अगर गल करिए बॉम्बे दे विच ही चली, तो आंसर इहदा बॉम्बे आएगा, ठीक है। बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी वाज फर्स्ट कॉटन मिल जो कि इस्टैबलिश की गई 1854 के करीब।
इसी दे नाल एक क्वेश्चन होर, 1854 दे विच अगर गल करिए तुहाडे गवर्नर जनरल कौन सीगे, उन्हां दा नाम सीगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी दे द्वारा एक होर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केड़ी पॉलिसी लेके आई गई सीगी, वो पॉलिसी सीगी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दी पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दी पॉलिसी। इसी तरीके दे नाल एक क्वेश्चन होर आ सकता है, 1854 दे करीब एक एक्ट भी आया सीगा, उस एक्ट दा नाम सीगा वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। एजुकेशन दे वास्ते आया सीगा और ये लेके आया गया सीगा चार्ल्स वुड्स दे द्वारा, और 1854 एक ऐदा दा टाइम सीगा जदों रानी झांसी नूं उहनां दे महल दे विचों भी कढ़िया गया सीगा, ते बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर सीगा इंडियन हिस्ट्री दे विच। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर, समझ आया? यस बच्चा, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन दी और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द पेमेंट बैंक्स। हाँ जी, गम इकोनॉमिक्स से विचों भी क्वेश्चंस में लिखे है, मतलब बनाए है, ते ए बैंकिंग तो क्वेश्चन है, कहिंदा इहनां विचों केड़ा पेमेंट बैंक दे रिलेटेड जिहड़ा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला, गिविंग आयोसोल टू द प्राइमरी सैक्टर इज़ नॉट मैंडेटरी, सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड, क्रेडिट कार्ड्स कैन बी इशूड, नो एनआरआई डिपॉजिट्स। हाँ जी, अगले क्वेश्चन दी और, अगले क्वेश्चन पेमेंट बैंक। बच्चा पेटीएम दा पेमेंट बैंक है, कभी उधर सुने क्रेडिट कार्ड होवे? नहीं ना, तो आप पेमेंट बैंक से क्रेडिट कार्ड जड़े है इशू जड़े है नहीं होंगे, तो इतने जरा आंसर आएगा डी इज सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वैसे मैं जनरली नहीं इशू करते, क्रेडिट कार्ड्स जड़े होंगे ने और शड्यूल बैंक जड़े है इशू कर सकते हैं। इतने एक होर चीज़ देखो, कई बार इकोनॉमिक्स के विच इन्हां दोनों की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसनों आप कहने सी आर आर नूं, इसनों आप कहने हाँ कैश रिजर्व रेशियो, SLR नूं की कहने हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ठीक है, ये दोनों फुल फॉर्म याद रखनी है। CRR दा मतलब की हुंदा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स नूं एक परसेंटेज हर साल दसदा है कि इन्ने परसेंट पैसे जड़े है तुसी मैनू जड़े है जमा करवाने हैं, उस रेशियो नूं आपां कहने कैश रिजर्व रेशियो। सपोज करो RBI ने कहा कि 9% जरा है इस बार CRR रहेगा, तो 9% जड़े है हर बैंक नूं जिन्ना उन्हां कोल सेव है उत्तों 9% RBI नूं जमा करवाना पेगा, ये शड्यूल बैंक्स जनरली करवाते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो एक ऐदा दी रेशियो जिस RBI कुछ परसेंटेज दसदा है, उहदे विचों बैंक्स नूं इह देंदा है कि तुसीं इन्ने पैसे अपने कोल रखने ने किसी भी फॉर्म दे विच, और ये दोनों जड़े है रिजर्व रेशियो जड़िया ने मेनली जिहड़ी महंगाई हुंदी है इनफ्लेशन हुंदी है उसनू कंट्रोल करन दे लई इस्तेमाल किते जांदे ने। सोल्जर इज़ एन अलॉय ऑफ, सोल्जर जिहड़ा है किदा अलॉय है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन दी और, सोल्जर किदा अलॉय है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सब तो पहला तो इतने ये समझना पेगा कि भाई अलॉय का मतलब की हुंदा है, जो तुसी दो टू और मोर मेटल्स नू मिक्स करते हो तो बनता है अलॉय। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉन्ज एक अलॉय है, किदा अलॉय है कॉपर दा, कॉपर दे विच टिन जब मिलाया जाता है तो ब्रॉन्ज बन जाता है। हुन सोल्जर दसना है कि अलॉय आ जाता है, ये आता है टिन ते लेड दा, टिन ते लेड दा, टिन ते सीमा, तो आंसर जड़ा है आ जाएगा थर्ड। ठीक है, टिन ते लेड दा अलॉय आ जाता है। अलॉयज जड़े होंगे ने यह हमेशा याद रखना, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस दे विच इन्हां दा इस्तेमाल किया जाता है। एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अकॉर्डिंगली अगर गल की जाए, पंचायत एट द इंटरमीडिएट लैवल मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन अ स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग। कितने पार्लियामेंट जी है कॉन्स्टिट्यूट नहीं किथे जाएगी जिथे पॉपुलेशन मिनिमम वैल्यू केड़ी नहीं रखती होएगी। हाँ जी, 30 लैक्स, 40 लैक्स, 10 लैक्स या
20 lakhs. बहुत ही ईजी जा क्वेश्चन, लगाओ आंसर. यस बच्चा, इट्स अ अलॉय, इट्स अ मेटल, एक तरीके का मेटल ही आ जाता है, दो चीज़ों नू मिला के बनता है. स्किप बच्चा, पंचायत दे नू, पंचायत नू इंटरमीडिएट लेवल दे विच कॉन्स्टिट्यूट करन दे लई आपां कहने आ कि उस जगह दी एटलीस्ट 20 लाख पॉपुलेशन जड़ी है होनी चाहिए है. अगर पॉपुलेशन 20 लाख तो घट है तो उत्थे पंचायत इंटरमीडिएट लेवल ते नहीं आएगी, तो आंसर जड़ा है इत्थे डी आ जाएगा. कि भारत के संविधान के विच पंचायत शुरू तो सी नहीं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 दे विच हुई तां पंचायत नू जड़ा है कॉन्स्टिट्यूट जड़ा है किया गया. ओके और इस नू जड़ा है पार्ट नंबर 9th दे विच इंक्लूड किया गया सीगा एंड 11th शेड्यूल दे विच इस दे टोटल 29 सब्जेक्ट्स जड़े है मेंशन किए गए जिदे विच पंचायत जड़ी है काम कर सकती है. राइट, ये चीज़ा याद रखनिया ने. केड़ा आर्टिकल जड़ा है भारत के संविधान का ये गल करता है कि सरकार नू पंचायत जड़ी है बनानी चाहिए, पंचायत दे लई करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंचायत, वो है आर्टिकल नंबर 40 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल दे अकॉर्डिंगली है, क्योंकि गांधी जी का मनना सीगा कि जो रियल भारत है वो विलेजिस दे विच ही रहिंदा है, तो अगर आप उन्होंने अपग्रेड करांगे तो आप होर अगे जो है देश जो है अगे जाएगा. ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर वधदे हाँ. नैक्सट क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल. ठीक है, हे लिखिया विचों केड़ी काली मिट्टी की विशेषता नहीं है. अगले क्वेश्चन की ओर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगाओ आंसर. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल. हाँ जी, इट इज़ अ बेस्ट सॉइल, ये बेस्ट सॉइल है फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, ए लोअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, ए रिच है आयरन लाइम एंड मैगनीशियम दे विच, या इहदा टेक्सचर जिहड़ा है क्लेली है. बहुत अच्छा क्वेश्चन जी, सी इज़ द राइट आंसर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सी दे रहे ने. देखो ये की पूछा गया है, सब तो पहला तो ये जो क्वेश्चन है वो तुहानू ये कह रहा है कि केड़ा करैक्टरिस्टिक्स इहदा नहीं है. तो अगर आप करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, ब्लैक सॉइल जी कॉटन कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल सही है. ब्लैक सॉइल जी होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मनी जाती है, इस कॉटन जी है ज़्यादा उगाई जाती है. काली मिट्टी कई बार आप रेगुर सॉइल के नाम तो भी जानते हाँ. ठीक है, दूजा कहता कहता इट हैज़ लो वाटर रिटेनिंग कपैसिटी. लो वाटर रिटेनिंग कपैसिटी का मतलब कि पानी पाया काली मिट्टी के विच ते पानी जड़ा है बाहर निकल जाता है. ठीक है, ये पानी नू होल्ड करके नहीं रख सकती, तो ऑप्शन जड़ा है गलत है, क्योंकि ये वाली जी सॉइल है केड़ी सॉइल है जिदे लो कह लो वाटर रिटेनिंग कपैसिटी होंगी और लेटराइट सॉइल होंगी है. तो आप कह सकते हाँ कि इतने बी जड़ा है राइट आंसर आएगा, बाकी सारे इतने ऑप्शन जड़े है सही है कि इट इज़ रिच इन आयरन लाइम एंड मैगनीशियम, ए क्लेली स्ट्रक्चर का होंगी है, तो बी इज़ अ राइट आंसर. गुड मॉर्निंग पूजा. हाँ जी, बी जड़ा है राइट आंसर आएगा बच्चा. ओके, इज इट क्लियर, समझ आ गया? हाँ जी क्लियर है. सॉइल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गाइस, कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम जाओ, पंजाब का कोई भी एग्जाम उठा लो. ठीक है, ज्योग्राफी के सॉइल फॉरेस्ट रिवर्स ये आते ही आते हैं, इन्हों की बेसिक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है. ओके, द सलल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर. केड़े रिवर ते जड़ा है सलल प्रोजेक्ट जड़ा है कंस्ट्रक्टेड है? ऑप्शन दिते गए ने चनाब, भीमा, कृष्णा या मंजरा. अगले क्वेश्चन दी और, सलल प्रोजेक्ट जी एनू कई बार सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी कहने हैं. ठीक है, और ये किस रिवर के उत्ते? चलो मैं तुहानू ये भी दस देनी हाँ कित्थे आ जाता है, ये है रियासी डिस्ट्रिक्ट है, एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है साड़ी यूनियन टेरिटरी, वो है जम्मू एंड कश्मीर दे विच. हाँ जी, क्या आंसर आएगा? सलल बच्चा, चनाब रिवर. यस लवदीप सिंह, बिल्कुल सही है आंसर, जड़ा है चनाब रिवर है, चनाब रिवर दे उत्ते है बनिया होया है. चलो आप चनाब रिवर की अगर गल करिए, चनाब रिवर का ओरिजिनेशन दसो कितने होंगे, जन्म कितने होंगे, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन ये रिलेटिड भी आ सकता है.
चिनाब रिवर का जिहड़ा जन्म है वह कित्थे हुंदा है। जो भी चिनाब रिवर की गल की जाती है इसका जन्म जिहड़ा है मैं कह सकती हाँ कि बारा लच्छा ला पास दे कोल हुंदा है हिमालयाज दे विच हिमाचल प्रदेश दे विच है ना। बारा लच्छा ला पास ये चिनाब रिवर जिहड़ी है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी आ जाती है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जिहड़ी है ये आ जाती है इंदस रिवर की। और लोंगेस्ट ट्रिब्यूटरी जिहड़ी है वो कहड़ी है वो है सतलुज। चिनाब रिवर जिहड़ी है बाकी रिवर नूं मिलदी कित्थे है पंजनद जगह ते। पंजनद जगह ते ठीक है जो कित्थे है मिठानकोट तो पाकिस्तान ते थोड़ी जी उपर है ना। ठीक है ये भी तुहानू याद रख लेना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन दी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशन होस्टेड दा चलो ये तो अगर आप थोड़ा जहा पुराना क्वेश्चन है इनू अगे वधदे आ। हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ द मोनिटरी पॉलिसी कमेटी दिस वन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि बहुत बार न्यूज़ के विच रहिंदा है कि मोनिटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन कौन हुंदे ने। मोनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई ये न्यूज़ च रहिंदा है क्वेश्चन आंदा ही रहिंदा है कई सारे एग्जाम्स। यस भाई दसो अगले क्वेश्चन दी और हु इज़ अ चेयरमैन ऑफ द मोनिटरी पॉलिसी कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कुछ बेसिक्स भी समझन वाले है। अगर आप मोनिटरी पॉलिसी की गल करते हाँ सब तो पहला क्वेश्चन कि मोनिटरी पॉलिसी जड़ी है हर साल कि द्वारा जड़ी है फ्रेम की जाती है तो आप आंसर देने हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना जी है 1935 के गई सी किहड़े एक्ट के दौरान 1934 के एक्ट के दौरान। मोनिटरी पॉलिसी के विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करता है मोनिटरी पॉलिसी के विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिहड़ा है तुसी देखो जिहड़ा इनफ्लेशन हुंदी है उसनू कंट्रोल करन दे लई काम करता है। ठीक है तां इहदे नाल एक होर पॉलिसी के बारे भी तुहानू पता होना चाहिए वह है फिस्कल पॉलिसी। एग्जाम च क्वेश्चन आवे फिस्कल पॉलिसी जिहड़ी है किहदे द्वारा रिलीज़ की जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हुण इत्थे देखो आंसर की आएगा द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि मोनिटरी पॉलिसी के चेयरमैन जिहड़े है वो कौन होणगे गवर्नर होणगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही कढ़ी जाती है। ठीक है तो कंपोजिशन जिहड़ी हुंदी है करंट फर्स्ट मोनिटरी पॉलिसी कमेटी जिहड़ी सीगी उस च गवर्नर सीगे चेयरपर्सन होंगे ने एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन सीगे ते कुछ पॉलिसी मैंबरस वगैरह सीगे। द फाइनल इमेज इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आप माइक्रोस्कोप दे विच कोई भी इमेज देखते दे हाँ तो किद्दा दी बनती है। अगले क्वेश्चन दी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन बदो भाई देखो सब तो पहले तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किस वास्ते किया माइक्रोस्कोप जो निक्की निक्की चीज़ा ने उन्होंने वड्डा करन दे लई। ठीक है तो जिहड़ी इमेज हुंदी है एक तो वर्चुअल बनती है। ठीक है वर्चुअल बनती है मैग्नीफाइड बनेगी वड्डी बनेगी तो एक बनती है इरेक्ट तो आंसर जिहड़ा है आएगा वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। रियल नहीं बनेगी जिदा ऑब्जेक्ट है उदा नहीं दिखता मैग्नीफाइड होकर बनता है। इरेक्ट का मतलब थोड़ा जो उल्टा ओके वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इन टू इंग्लिश भगवद गीता इंग्लिश के ट्रांसलेटेड करन वाले केड़े पर्सन सीगे। अगले क्वेश्चन दी और यस नेक्स्ट क्वेश्चन भगवद गीता ने उन्होंने एशियटिक एक ना थोड़ी उन्होंने एशियटिक सोसायटी के मैंबर भी सीगे फाउंडिंग मैंबर ऑफ द एशियटिक सोसायटी और इन्होंने भगवद गीता जोड़ा है इंग्लिश के ट्रांसलेटिड किया नाम सेगा उन्होंने चार्लस विलकिंस नाम सेगा चार्लस विलकिंस। यस आंसर जोड़ा है डी आ जाएगा चार्लस विलकिंस। विच सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट एंड मोनीटर द हाउसिंग सैक्टर इन इंडिया अगर आप हाउसिंग सैक्टर की गल करिए भारत के कौन रेगुलेट करता है रेरा ठीक है RBI, LIC या SEBI हाँ जी
रेरा या RBI LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। सैबी देखती है स्टॉक मार्केट्स वगैरह नू, RBI देखता है बैंक्स नू। बच्चा की RERA ता आंसर जड़ा है फर्स्ट आ जाएगा। कई बार यदि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है नू बोलते रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट, ठीक है, तो रियल इस्टेट दे रिलेटेड है। और ये होम बायर्स या जो थोड़ा कह लो होम दे रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज होंदी है इन्हां दे द्वारा देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, केड़ा आर्टिकल है भारत के संविधान का जो कि रिलेटेड है सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगले क्वेश्चन दी और, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब तो पहला तो आर्टिकल नंबर 52 तो प्रेजेंट दे आर्टिकल जड़े है स्टार्ट हो जाते हैं। 52 आर्टिकल की कहता है कि भाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दे बारे जड़ा है ये गल करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 52 अपना ये आ जाता है। आर्टिकल नंबर 53 गल करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 53 गल करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है। हुण इत्थे आर्टिकल नंबर 54 किहदे बारे गल करेगा, 54 किहदे बारे गल करेगा, इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट, ठीक है, इलैक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। और इस इलैक्शन दे विच किहदे द्वारा इलैक्शन करवाया जाता है, इलैक्टेड कॉलेज थ्रू जिच इलैक्टेड मैंबरस होंदे ने बोथ द हाउसिज दे एंड यूनियन टेरेटरी दे। इहदे विच नॉमीनेटिड मैंबरस नहीं पार्ट लेंदे ने, जो प्रेजिडेंट के द्वारा नॉमीनेट किए जाते हैं, जिम्मे राज्यसभा 12 मैंबरस नॉमीनेट होंगे ने। तो आर्टिकल नंबर जोड़ा है 61 आएगा कि 54 आएगा, इतने तो 54 है ही नहीं बच्चा। हाँ जी 61 जोड़ा है कि रिलेटिड है, 61 जोड़ा है कि रिलेटिड है, ये इंपीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंपीचमेंट के रिलेटिड है। इतने ऑप्शन है ही नहीं, मैं देखा नहीं। अच्छा इतने आ वाला कर लो, आंसर जोड़ा है डी आ जाएगा। आप अगर इन 54 मानते हैं तो इंपीचमेंट दे रिलेटेड जोड़ा आर्टिकल आ जाता है वो अपना 61 आ जाता है, कि जोड़ा प्रेजेंट इंपीचमेंट प्रोसैस है वो अपने 61 दे रिलेटेड है। अगर क्वालिफिकेशन की गल करिए कि प्रेजेंट दे इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए है तो आर्टिकल नंबर 58 डील करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेजिडेंट। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वास, हाँ जी 72 पार्डन, बिल्कुल पहले हेल्थ मिनिस्टर जड़े है तुहानू दसने है कौन सी के? यस फीमेल भी हो सकती है मेल भी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। विजयलक्ष्मी पंडित जड़ी है ये तो जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर सी, UN जनरल असेंबली की पहले कह लो इन्होंने इंडिया नू रिप्रजेंट किया। आंसर जड़ा है राजकुमारी अमृत कौर जड़ा आएगा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर जड़े है बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। अगले क्वेश्चन दी और, ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी जी काली मिट्टी है कितने नहीं पाई जाती है, काली मिट्टी उत्थे पाई जाएगी जिथे पहले वॉलकैनोज इरप्ट होंगे सके, ठीक है। तो देखो अगर काली मिट्टी की गल करिए मेनली ये सानू देखने मिलती है साउथ इंडिया वाली साइड, जिहड़े नॉर्थन प्लेन्स होंगे ने नॉर्थन वाली साइड जी है सानू देखने मिलती है एलुवली मिट्टी। तो पंजाब दे विच जलौफ मिट्टी या एलुवली मिट्टी जी है ज़्यादा पाई जाती है, तो आंसर जोड़ा है बी आ जाएगा कि जी काली मिट्टी है वह पंजाब दे विच नहीं पाई जाती है, ठीक है बच्चा। आंध्र प्रदेश दे विच भी पाई जाती, महाराष्ट्र च भी, मध्य प्रदेश दे विच भी। अच्छा आंध्र प्रदेश दे विच दो लेक्स भी पाए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स है, एक होंगे कोलेरू लेक, एक होंगे पुलिकत लेक। वन इज कोलेरू लेक, वन इज पुलिकत लेक। इज इट क्लियर, समझ आ गया? हाँ जी अगले क्वेश्चन दी और जड़ा है वधिया फिर। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन दी और वादे हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज प्राइमरी कंसर्न विद द मेनटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इन्हों के केड़ा है केड़ी अथॉरिटी है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम नू संभालती है IMF, AIIB, FATV या ADB ये दोनों जड़े है बैंक्स आ जाते हैं IMF एक थोड़ी कह लो इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन है जो लोन्स वगैरह देने का काम करती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इनू कहा जाता है यस नो बच्चा IMF आंसर नहीं है दा एदा आंसर है FATF FATF का मतलब की होंगे इनू बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है ये प्राइमरी कंसर्न होंगे विद मेनटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम वॉच डॉग की तरह काम करती है देखती है सारा कुछ ठीक है वेस्ट फलोइंग रिवर एना विचों केड़ी है अगले क्वेश्चन दी और तुसी पियो जी जूस हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन यस बच्चा देखो वेस्ट फलोइंग रिवर अगर इंडिया दी रिवर्स दी गल करिए लेट्स रिवाइज द इंडियन रिवर्स थोड़ी जी इंडियन रिवर्स नू मैं दो तरीके दे नाल मेनली डिवाइड कर सकती हाँ नंबर फर्स्ट एक होंदिया ने हिमालयन रिवर्स हाँ जी एक होंदिया ने कह लो पेनिनसुलर रिवर्स ओके पेनिनसुलर रिवर्स नू कई बारी आपां साउथ इंडियन रिवर्स भी कहने हाँ ये साउथ इंडियन रिवर्स नू आपां दो तरीके दे नाल वंडदे हाँ एक होंदी है ईस्ट फलोइंग ठीक है एक होंदी है अपने कोल वेस्ट फलोइंग जिहड़ी ईस्ट फलोइंग रिवर्स होंदियां ने उन्हां दे विच जिवें कि आंदियां ने महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी कावेरी वाटर डिस्प्यूट भी बच्चा चल रहा है कर्नाटका इन द तमिलनाडु दे विच बहुत न्यूज़ दे विच है ताहीं करके कर्नाटका दे विच बंद लग्या होया स्ट्राइक्स हो रही ने वेस्ट फ्लोइंग रिवर दे विच आंदियां ने जिवें कि नर्मदा माही तपती ठीक है हुण वेस्ट फ्लोइंग ते ईस्ट फ्लोइंग दे विच फर्क की है कि जिवें अगर आपां इह साउथ इंडिया दा मैप देखिए इत्थे अपना आंदा है बे ऑफ बेंगाल इत्थे आंदा है अरेबियन सी जिहड़ियां रिवर्स इत्थे ड्रेन करदियां ने उन्हां नूं कहिंदे आ वेस्ट फ्लोइंग जिहड़ियां इत्थे ड्रेन करदियां ने उन्हां नूं कहिंदे ईस्ट फ्लोइंग ते साबरमती रिवर गुजरात वाली साइड अरेबियन सी दी ओर ड्रेन करदियां दैट्स वाई आपां इत्थे साबरमती रिवर जिहड़ा है राइट आंसर जिहड़ा है लगावांगे ओके हाँ जी इज़ इट क्लियर हुण अगर आपां इह गल देखिए साबरमती आश्रम भी महात्मा गांधी जी दे द्वारा इस्टैबलिश किया गया सी महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम जिहड़ा है कदों इस्टैबलिश किया 1916 दे करीब महानदी रिवर दे उत्ते एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम भी बनिया होया इस डैम का नाम है हीराकुंड डैम हिमालयन रिवर्स दे विच केड़ी केड़ी रिवर आंदी है जिवें कि गंगा इंदस ते ब्रह्मपुत्रा ठीक है इंडिया दी लॉन्गेस्ट रिवर जड़ी है केड़ी है गंगा है 2525 किलोमीटर गंगोत्री ग्लेशियर तो दा जन्म हुंदा है और अगर आपां देखिए साउथ इंडिया दे विच दक्षिण गंगा किसनू कहा जांदा है गोदावरी रिवर नू जिहदा ओरिजिनेशन नासिक महाराष्ट्र दे विच हुंदा है गोदावरी रिवर दक्षिण गंगा दे नाम तो जानी जांदी है चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए द इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन हाँ जी बिल्कुल जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रल सेशन सीगा वह कदों होया सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी है एक एक्ट के दौरान भी स्थापित की गई सी 1773 दे विच वो एक्ट सीगा जिस एक्ट का नाम सीगा रेगुलेटिंग एक्ट ठीक है 1773
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਫੋਰਸੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੈਗੁਰਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ, ਫੋਸਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਯੈਸ ਬੱਚਾ, ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਯੈਸ, ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ, ਫੋਸ, ਓਕੇ, ਹੋਰ ਫੋਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਵਾਟਰ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਡਾਲੋਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੂਅਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ। ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਨਾਲ ਮੇਨਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਲੂਵੇਲੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਇਜ਼ ਮੇਨਲੀ ਡਿਊ ਟੂ, ਹਾਂਜੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੀਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹੀਟ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ, ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬੰਡੈਂਟ ਅਗਰ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਬੰਡੈਂਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਟਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਅਤੇ ਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਟਮ ਨਿਊਕਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਟਮਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੇਜਰ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਫਿਊਜ਼ਨ। ਯੈਸ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਆਫਟਰ ਦਾ ਅਲੀ ਵਰਦੀ ਖਾਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਵਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਵਾਬ ਆਫ ਬੰਗਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਖਾਨ, ਸਿਰੋਜ਼ੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਸਿਰਜੁਦੁੱਲਾ, ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ,
हाँ जी बिल्कुल सही, इन्हां ने जिहड़ी है प्लासी दी लड़ाई भी लड़ी सीगी। आंसर जिहड़ा है सिराजुद्दौला जिहड़ा है राइट आंसर आएगा। लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब क्यों बोलिया जाता है, क्योंकि आफ्टर दैट ये जिहड़े सीगे जिन्ने भी अगे नवाब आए, जिन्ने भी राजा आए बंगाल दे, वो सारे दे सारे ब्रिटिशर्स दे द्वारा लैके आए गए सीगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए कहता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एन पी सी आई विच इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनिज्म सॉरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगाओ आंसर। बिल्कुल सही, अंग्रेजा ने बनाए बाकी। बी इज द राइट आंसर या ए इज द राइट आंसर। एन पी सी आई का हिंदी फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जी है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया। तो बिल्कुल आंसर जरा है ए आ जाएगा। द विटामिन मोस्ट रेडली डिस्ट्रॉय बाय हीट, इन्हों केड़ा विटामिन है वो हीट के नाल, अगर आप जो भी फूड है वह विटामिन वो पाया जाएगा, अगर उन्होंने आप उबाल देंगे या पका लेंगे वो खत्म हो जाएगा। हाँ जी ए इज द राइट आंसर, राइबोफ्लेविन। ओके थायमिन, ओके डी लॉक। नहीं देखो नींबू पानी नू कभी गर्म किया है, खट्टे फ्रूट्स नू कभी गर्म किया है, या खट्टे फ्रूट्स नू कभी धोया है? ऑब्वियसली गल है नहीं, क्योंकि विटामिन सी जड़ा होंदा है पानी ते हीट दे नाल खत्म हो जाता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होंदे ने। तो एस्कॉर्बिक एसिड जड़ा है राइट आंसर आएगा, विटामिन सी जड़ा है ए हीट दे नाल खत्म हो जाता है। बी जड़ा है लॉक कर दो। एलईडी से बच्चा नहीं, शायद नहीं चलता अमन, एंड्रॉयड होनी चाहिए फिर चल जाएगा एलईडी दे विच। Who was appointed as a assembly constitutional advisor in 1946 during the framing of the Indian Constitution? Constitutional advisors जड़े सीगे कौन बने भाई, जो भारत का संविधान जड़ा है कह लो बनाया गया सीगा। ऑप्शन दिते गए ने बच्चा, बी एन राव, बी आर अम्मी अयंगर, के एम मुनबेकर या गोपाल स्वामी। आंसर जड़ा है बी एन राव सीगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हाँ जी साड़ा भारत का संविधान जरा है कंप्लीट कदों होया सी, 26 नवंबर 1949 नू, तो इनफोर्सेबल कदों किया गया सी, 26 जनवरी 1950 नू। ठीक है हाँ जी, इज इट क्लियर, समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है इस्टैबलिश द कैरी आउट साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल, कदों उन्होंने साइंटिफिक सर्वे किया सॉइल का, तो इन्होंने 8 प्रकार की सॉइल दे विच डिवाइड किया। आइडिया जरा सी एम एन रॉय के द्वारा दिता गया सी। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इन विच ईयर द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टैबलिश टू कैरी आउट द साइंटिफिक सर्वेज ऑफ इंडिया। बच्चा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लुधियाना अपना हो रहा है सैमीनार, उत्थे जरूर आना है ठीक है। 7 अक्टूबर सैमीनार है, तो तुसी सारिया ने उपस्थित होना है 7 अक्टूबर लुधियाना दे विच। हाँ जी फिर नहीं चलेगी बच्चा अमन, एंड्रॉयड होना जरूरी है। एंड इन विच ईयर द सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जरा है 1956 के विच सॉइल सर्वे ने इस्टैबलिश किया साइंटिफिक सर्वे ऑफ सॉइल। हाउ शेड्यूल आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हों भारतीय संविधान के किन्ने शेड्यूल्स हैं? बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन है, किन्ने शेड्यूल हैं भी भारत के संविधान के विच? टोटल 12, यस एग्जैक्टली 12 शेड्यूल। आंसर जरा है फिर की आ जाएगा बी। अगला बहुत ईजी जहा क्वेश्चन, गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े सीगे ओ किन्वे गुरु सीगे? गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गोबिंद सिंह जी वाज द डैश सिख गुरु, 8th, 10th, 9th और 5th। हाँ जी गुरु गोबिंद सिंह जी जी सीगे ओनली सन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी,
और गुरु तेग बहादुर जी साढ़े 9th सिख गुरु सिगे। और अगर आप देखिए इन्हों का जन्म जेड़ा है गुरु गोबिंद सिंह जी का कितने होया सीगा, पटना दे विच होया सीगा, है ना, तो 10th सिख गुरु सिगे। बिल्कुल आंसर जेड़ा है बी आ जाएगा, 10th। वट इज़ अ मिनिमम ये रहन दो, जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली आइसक्रीम्स नू यू बनाने दे लई, ठीक है, इहदे विच जेलेटिन क्यों इस्तेमाल होंदी है। अगले क्वेश्चन दी और वधो, जेलेटिन का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता आइसक्रीम्स बनाने लई, कहिंदा प्रिवेंट मेकिंग अ कोलाइड, स्टेबलाइज द कोलाइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, स्टेबलाइज मिक्सचर या इनरिच द अरोमा। हाँ जी अगले क्वेश्चन दी और देखो, जेलेटिन नू इस करके इस्तेमाल किया जाता है, अगर तुसी घरे देखोगे कभी आइसक्रीम जमाओगे तो उहदे विच की हुंदा है कि बर्फ जम जाती है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, बट जेलेटिन का इस्तेमाल आइसक्रीम के इस करके किया क्रिस्टलाइजेशन ना बने, एक कोलाइड नू मिक्सचर नू स्टेबल करन दे लई किया जाता है, तो आंसर जड़ा है बी आ जाएगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है पाया सीगा मैं। अगले क्वेश्चन दी और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं बनाई गई। अगले क्वेश्चन दी और, प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई सी 1950 के करीब, ठीक है, और उसनु स्क्रैप कर दिता गया सी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा, फिर उस तो बाद नीति आयोग की स्थापना जी है की गई, तो नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आंसर जरा है इतने नीति आयोग आ जाएगा, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शड्यूल ट्राइब्स एंड इलेक्शन कमीशन, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि नीति आयोग जी है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है, और इस जे चेयरमैन होंगे ने कौन होंगे ने PM। अगले क्वेश्चन दी और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर। हाँ जी इतने तुहाडे सामने जी है लॉजी का मतलब होंदा स्टडी, तुहानू दसना है कि केड़ा पेयर इहदे विच गलत है। अगले क्वेश्चन दी और, केड़ा गलत है, एंथ्रोपोलॉजी जिहड़े है फेमस जट, नोट करने की लोड़ नहीं है बच्चा, मैं PDF प्रोवाइड करवा दांगी, डी लॉक देख लो। हाँ जी एंथ्रोपोलॉजी जी है कल्चरल ज्योग्राफी है, डेमोग्राफी पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, हाइड्रोलॉजी ओशियनोग्राफी है, पेडोलॉजी फाइटोजोग्राफी। आंसर जरा है डी गलत है, क्योंकि पेडोलॉजी जी है सॉयल के बारे स्टडी करती है, ठीक है, डेमोग्राफी बिल्कुल सही है कि किन्नी पॉपुलेशन है कितने किन्नी लिटरेसी है, सारी चीज़ आप करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन काइंड के होंगी है, हाइड्रोलॉजी हाइड्रो मतलब पानी होंगे, ओशनो ओशंस वगैरह देखिए। आंसर आता है अगला क्वेश्चन, गंदीगोटा कैनियन जिसनों आप ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहने, ये कितने लोकेटेड है। हाँ जी अगले क्वेश्चन दी और वधो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के विच, यस बिल्कुल, द जॉर्ज ऑफ गंदीगोटा पेनर रिवर किस रिवर के उत्ते बनया होया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के विच आ सकता है, तो तुहानू याद रखना है वो रिवर है पेनर रिवर, है कित्थे है आंध्र प्रदेश के विच, तो आंसर इहदा मतलब की आ जाएगा, ए इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन दी और, हु स्टार्टिड द तमिल वीकली मैगजीन कुड़ी अरासु। कुड़ी अरासु एक तमिल मैगजीन सी, एक द्वारा स्टार्ट की गई, इस दे नाल नाल तुहानू महात्मा गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर्स भी याद रखने ने, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत बार एग्जाम च आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओपीनियन, ठीक है, यंग इंडिया, राइट, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी सी महात्मा गांधी दी, एंड हाँ नवजीवन भी, ये भी इन्हों द्वारा ही लिखा गया सी।
बाल गंगाधर तिलक ने भी कुछ लिखे सीगे जिवें कि केसरी मराठा। ये बहुत फेमस है, ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ जी आंसर बच्चा बिल्कुल इतने गलत है तुहाडा। पेरियार ईवी राम सवन ने लिखे सीगा कुड़िया रासू। ये तमिल वीकली मैगजीन सी जो मद्रास प्रेजिडेंसी दे विच आती सी। न्यूज़ दे विच बहुत है कि तमिलनाडु ते कर्नाटका दे विच डिस्प्यूट चल रहे रिलेटेड टू द कावेरी रिवर डिस्प्यूट। हुण इत्थे तुहानू ये दसना है कि कावेरी रिवर का जिहड़ा ओरिजिनेशन कित्थे हुंदा है। हाँ जी दसो बई, कावेरी रिवर की अगर गल की जाए इस दा ओरिजिनेशन कित्थे हुंदा है? पोल इतने है नहीं बच्चा, पोल किदा करदा मैं फिर? यूट्यूब ते पोल नहीं हुंदी। अगले क्वेश्चन दी और। गुड मॉर्निंग बच्चा अमन। कावेरी रिवर जड़ा है इस दा कर्नाटका दे विच केड़ी ब्रह्मागिरी हिल्स दे विच हुंदा है ना? कित्थे हुंदा है? ब्रह्मागिरी हिल्स दे विच। ठीक है ते भी तुहानू याद रखना है, ब्रह्मागिरी हिल्स दे विच सानू इहदा जिहड़ा है ओरिजिनेशन देखण नू मिलता है। विच वन द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन डज नॉट रेगुलेट द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया? इन्हां विचों केड़ा इंस्टीट्यूशन है जो कैपिटल मार्केट्स नू बिल्कुल भी नहीं देखता है? ब्रह्मागिरी हिल्स होंदिया ने बच्चा। अगला क्वेश्चन, यस वैसे तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी देखता है, सेबी भी देखता है, आरबीआई भी देखेगा, बट आईआरडी दे द्वारा नहीं देखा जाता है। ठीक है, अ लाइट ईयर इज मिज्योर ऑफ, लाइट ईयर की मिज्योर कर दी? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस या टाइम? अगले क्वेश्चन दी और। अ लाइट ईयर की मिज्योर कर दी? डिस्टेंस कर दी है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, यूनिवर्स के विच जो डिस्टेंस होंगे ने एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसिस नू देखती है। अच्छा अगर मैनू सपोज एवें क्वेश्चन भी आ जाए, सपोज सन है, ठीक है, सन ते धरती दे विच डिस्टेंस देखना है तो मैं किहड़े यूनिट का इस्तेमाल करांगी? तो मैं AU यूनिट का इस्तेमाल करें, इहनू कहिंदे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, जो सन और प्लैनेट्स दे विच डिस्टेंस हुंदा है उहनां नू देखण दे विच आपां इस्तेमाल करते हाँ। अगले क्वेश्चन दी और। कहिंदा विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रियम्बल? हाँ जी प्रियम्बल का इन्हां दे विचों केड़ा पार्ट नहीं है? लिबर्टी, टोलरेंट, सोवरेन एंड सेकुलर। इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन। प्रियम्बल की कहिंदा है, वी आर इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सैकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। कितने भी टॉलरेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आंसर जरा है बी आ जाएगा। बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन सेगा। रॉबर्ट हैज सेंडी सॉयल इन हिज फील्ड, द आइडल क्रॉप फॉर हिज। हाँ जी अगर साढ़े को सेंडी जी सॉयल है, सेंडी सॉयल का मतलब होंगे कि वो कण जड़े होंगे छोटे छोटे होंगे ने, ठीक है, ये सॉयल आप उगावे? ग्राम, कॉर्न, कैबेज या वीट? अगले क्वेश्चन दी और। जिहड़ी कॉर्न हुंदी है जिहनूं मक्की कहने आ वो सैंडी सॉयल दे विच उगदी है, तो याद रखना कॉर्न जिहड़ा है राइट आंसर आ जाएगा। अगर वीट की गल की जाए, वीट जिहड़ी है ऑल ओवर इंडिया उगाई जाती है, बट एलुविली सॉयल इहदे लई बेस्ट मनी जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर स्टेट इन इंडिया? पहले जम्मू कश्मीर नू एक स्पेशल स्टेटस दिता जाता सी, कि आर्टिकल उहदे नाल रिलेटिड होएगा? ये क्वेश्चन अज भी कई बार पूछ लिता जाता है। पहला स्पेशल स्टेटस मिलता सी जम्मू कश्मीर नू, वो केड़ा आर्टिकल सीगा इहदे नाल रिलेटिड? हाँ जी यस बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 370 इज रिलेटिड टू जम्मू कश्मीर प्रीवियसली।
ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਚੀਸਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਜ਼, ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਯੂਸਫੁਲ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਲਓ ਅਗਰ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਐਚੀਸਨ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਕਦੋਂ ਸੀ? 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ 1886, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਰ ਚਾਰਲਸ ਐਪਰਿਸਟਨ ਐਚੀਸਨ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਯੂ ਨੋ, ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨਾ ਮੂਵੀ? ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਵਾਚ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤੇਂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤੇਂਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼? ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੱਤੂ, ਯੈਸ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਸਕਾਈ ਪਵਨ। ਸਕਾਈ ਪਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼? ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1935 ਆਏਗਾ, ਬਟ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੀਗਾ 1934 ਦਾ ਐਕਟ। ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਾਇਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੌਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਔਰ ਬੜ੍ਹਤੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਟੈਟਨਸ, ਕਲੋਰੀਆ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਦੀਜ਼ ਆਲ ਆਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੌਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਬਟ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੂਫਿੰਗ ਕੋਲਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੂਫਿੰਗ ਕੋਲਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਔਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਮੋਜੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਗੋਬਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਹੱਈਆ ਲਾਲ, ਮਨੇਲਕਾ ਮੁਨਸ਼ੀ, KM ਮੁਨਸ਼ੀ, ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਐਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵਾਮੀ ਅਯੰਗਰ, ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ 29th August 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਮੂਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਭੀਮਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਔਰ, ਮੂਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਭੀਮਾਸ ਆਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਆਫ? ਹਾਂਜੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਆਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਮੂਸੀ ਐਂਡ ਭੀਮਾ। ਆ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ,
अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट दे विच लिमिट करना कि करंट तेजी दे नाल ना आए, स्लो ना आवे, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हाँ? अगले क्वेश्चन दी और हाँ जी, केड़ा डिवाइस है भाई? कई बार तुसी देखिया होना कि कोई जिवें अजकल एक्सटेंशनस होंदिया ने ना, एक्सटेंशन जिवें प्लग एक्सटेंशन होंदिया ने, उन्होंने फ्यूज़ लगे होंगे ने, हल्का या करंट तेज़ आएगा फ्यूज़ उड़ जाता है, तो वह फ्यूज़ बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपये का मिल जाता है, तो उस फ्यूज़ में आप लगा सकते हैं। तो फ्यूज़ जिहड़ा है इस्तेमाल किया जाता है कि लिमिट करन दे लई इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच करंट नूं। कहिंदे इन विच नोवल डिड द नैशनल सोंग ऑफ इंडिया फीचर। अगले क्वेश्चन दी और हाँ, फ्यूज उड़ गए बिल्कुल। हाँ जी, इफ यू लाइक द क्लास प्लीज तुसी जिहड़ा है लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर दो। अगले क्वेश्चन दी और नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर किया जाता है बच्चा आनंद मठ दे विच, ठीक है? आनंद मठ वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इसनों राइट किया गया सी 7 नवंबर 1875 दे विच। ओरिजिनल इस सॉन्ग नू जिहड़ा है पब्लिश किया गया नोवल आनंद मठ दे विच और बेंगोली दे विच किया गया सी। केड़ा इंस्टीट्यूशन है जो फिक्स करता है रैपो रेट एंड रिवर्स रैपो रेट इन इंडिया? अगले क्वेश्चन दी और वादे हुए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वेरी गुड। हाँ जी, रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई। सब तो पहला तो समझते हैं बच्चा रेपो रेट की होंदा है। कई बार की होंगे कि जो बैंक होंगे ने उन्होंने को पैसा जोड़ा है कट हो जाता है, तो की करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई तो लोन लेंगे ने, ठीक है? उन्होंने आरबीआई तो लोन लिता, आरबीआई ने उसके बदले की करता उस लोन के उत्ते इंट्रस्ट रेट जोड़ा है लगाता, उस इंट्रस्ट रेट को आप कहने रेपो रेट, ठीक है? कई बार एवें भी होंगे कि आरबीआई जोड़ा होंगे वह बैंक्स तो लोन लेंदा है, ठीक है? वह बैंक्स तो लोन लेंदा है। हुण जो बैंक्स तो लोन लेगा तो बैंक्स वो उत्ते इंट्रस्ट रेट लगाएंगे, उन्होंने आप कहने रिवर्स रैपो रेट, ठीक है? तो रैपो रेट की है जो आरबीआई जोड़ा है बैंक्स जोड़े होंगे ने वो आरबीआई तो लोन लेंदे ने वो उत्ते इंट्रस्ट रेट लगता है तो उन्होंने रैपो रेट कहने, रिवर्स रैपो रेट जो आरबीआई बैंक्स तो लोन लेंदा है वो उपर इंट्रस्ट रेट लगता है। तो जोड़े है बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही रेपो रेट तो रिवर्स रैपो रेट जोड़े है डिसाइड किया जाता है। कहिंदा द डैश वाटरफॉल्स इन छत्तीसगढ़ आर ऑलसो नोन एज अ नेगारा फॉल्स ऑफ इंडिया। हाँ जी, यंग हिल्टन कमेटी बिल्कुल आरबीआई की स्थापना। अगले क्वेश्चन दी और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। डी इज़ द राइट आंसर, नहीं, चित्रकूट है बच्चा। चित्रकूट फॉल्स इज़ अ नेचुरल वाटरफॉल, ये बस्तर डिस्ट्रिक्ट दे विच आंदी है छत्तीसगढ़ दे विच। दूधसागर वाटरफॉल तो गोवा दे विच है, ठीक है? तो चित्रकूट जिहड़ा है राइट आंसर आएगा। हु हैड हेडिड द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन। बी आर अंबेदकर के द्वारा इसनों हैडिड किया गया सीगा। बगलीहार डैम जिहड़ा है किस रिवर के उत्ते कंस्ट्रक्टिड है? अगले क्वेश्चन दी और बगलीहार डैम किस रिवर दे उत्ते कंस्ट्रक्टेड है? बहुत अच्छे, चलो हम जल्दी देना रावी रिवर के उत्ते भी दस दो कि डैम कंस्ट्रक्टेड है।
रावी रिवर दे उत्ते भी दस दो केड़ा डैम जिहड़ा है कंस्ट्रक्टेड है। हाँ जी रावी रिवर दे उत्ते भी दस दो। रावी रिवर दे उत्ते है रणजीत सागर डैम। जिन्हों कई बारी अपां थीन डैम के नाम तो भी जानते हाँ। चिनाब रिवर के उत्ते तो बगलीहार डैम है और रावी ते ब्यास रिवर इन्हां दोनों का जिहड़ा जन्म है कित्थे होंदा है रोहतांग पास के कोल। रोहतांग पास कित्थे है ये भी पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के। इंदस रिवर के उत्ते भी डैम बने हुए ने करबेला डैम ठीक है। और इंदस रिवर का ओरिजिनेशन कित्थे होंदा है मान सरोवर लेक दे कोल जो कि तिब्बत दे विच है ठीक है। यस तो आंसर की आ जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। बगलीहार डैम जिहड़ा है वो कंस्ट्रक्टेड है चिनाब रिवर के उत्ते। द लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ द अमीबा। लोकोमेट्री मतलब चलन दा किहड़ा हुंदा है ये तुसीं शायद ही कर पाओ तो मैं ही तुहानूं दस देणी कहिंदे सूडोपोजस ठीक है। ये हुंदा है लोकोमेट्री ऑर्गन कहने आपां अमीबा दा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनस ये तो रिपीटिड हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नैशनलाइज बैंक। इन्हां विचों किहड़ा नैशनलाइज बैंक नहीं है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नैशनल बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक। बैंकिंग तो क्वेश्चन है हाँ जी बहुत ही इजी है। यस बिल्कुल क्योंकि एसबीआई जड़ा है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसनों पहले अपन की कहते सीगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और 1955 दे करीब इसका नाम जरा है चेंज कर दिता गया और इसनों जरा है किस नाम तो जानिया गया एसबीआई दे नाम तो जानिया गया ठीक है। समझ आया क्लियर है। हाँ जी बच्चा वो नहीं चलेगा नवदीप सिंह पहले सोचा सी चलावांगे बट हुन बच्चा दी कोई इन्नी खास इंटरेस्ट नहीं सीगा इस करके वो बैच नू बंद कर दिता गया। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़। 31C 21A 15 या 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड किहड़ा आर्टिकल आ जाता है। पार्ट 4 ए दे विच फंडामेंटल ड्यूटीज़ नू ऐडअप किया गया सी। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल नंबर 51A जरा है राइट आंसर आएगा ठीक है। तो आंसर जरा है डी आ जाएगा। ईजीएसट क्वेश्चन सीगा तो ज़्यादा टाइम इतने नहीं लगा रही। हु हैडिड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। हाँ जी 13 कमेटी सीगियाँ जिन्होंने डिफरेंट कह लो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग दे टास्क जड़े हैं किते सीगे और ये हैडिड की गई सी सरदार वल्लभ भाई पटेल दे द्वारा। वल्लभ भाई पटेल नू सरदार कहन वाले कौन सीगे। बरदोली सत्याग्रह दे विच उत्थे दी लेडीज़ ने इन्हों सरदार कह के बुलाया सीगा और बरदोली सत्याग्रह कदों होया सी 1928 दे करीब। मौजूली एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन कित्थे लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड या उत्तर प्रदेश। हाँ जी माजूली जरा आइलैंड है बना किस रिवर के उत्ते होया ब्रह्मपुत्रा रिवर के उत्ते। और ब्रह्मपुत्रा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी याद रखनी एक तिस्ता और ये है कितने है असम च। टू एलीमेंट्स विच कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ा दो एटम्स कैमिकली कंबाइन किया एक नवी चीज़ बन गई H2O वाटर एक कंपाउंड है। अगले क्वेश्चन दी और की कहांगे आपां केड़े दो एलीमेंट तो आपां कहने कार्बन एक तो कार्बन
दूजा हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके कह लो इकलाजन हाइड्रो कंपाउंड जड़े है बनाते ने, तो आंसर जड़ा है फर्स्ट आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ लोकनायक? हाँ जी, लोकनायक का मतलब क्या होता है? पीपल्स लीडर जिन्हों कहा जाता है, पीपल लीडर। अगले क्वेश्चन दी और पीपल लीडर, यस पीपल लीडर क्या जाता है? जयप्रकाश नारायण नू, जयप्रकाश नारायण नू रेफर करते सी कि अपा लोकनायक और पीपल लीडर, एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट सी है। कहते इन द इफ द इनफ्लेशन इज इकोनमी इज राइजिंग सेंट्रल बैंक जड़ा है की करेगा? रेपो रेट नू अनचेंज करेगा, रेपो रेट नू डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा रिवर्स रेपो रेट नू, या इनक्रीज करेगा रेपो रेट नू? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन दी और वधो, जदों भी की होंदा है कि जदों भी इन्फ्लेशन आती है, ठीक है, आपा ये कहने आ कि भाई इन्फ्लेशन जड़ी है वध रही है, इहदा मतलब की होंदा है? इहदा मतलब ये होंदा है कि मार्केट दे विच ज़्यादा पैसा जड़ा है फ्लो कर रहा है, मार्केट दे विच ज़्यादा पैसा जड़ा है फ्लो कर रहा है। हुण ज़्यादा पैसे नू रोकन दे लई आरबीआई की करेगा? इंट्रस्ट रेट जड़े है वधा देगा। इंट्रस्ट रेट नू अगर वो वधाएगा तो जड़े बैंक्स हैगे ने वो लोन जड़े है घट दे पाणगे, दूजा लोन दे इंट्रस्ट रेट जड़ा है वध जाएगा, तो की होएगा कि जिहड़ा ज़्यादा पैसा मार्केट दे विच फ्लो हो रहा है ये कंट्रोल हो जाएगा, जिस दे नाल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकती है। तो हमेशा रेपो रेट जो भी इन्फ्लेशन आती है तो रेपो रेट जिहड़ा हुंदा है वो इनक्रीज कर जाता है, बैंक रेट्स जिहड़े हुंदे ने वो इनक्रीज कर जाते हैं, ठीक है, ओके। बट जो रिसेशन आता है, रिसेशन का मतलब की है कि पैसे नहीं है, अनइंप्लॉयमेंट है, तो इतने आप रेपो रेट इंट्रस्ट रेट सारे गिरा देंगे ताकि लोग ज़्यादा तो ज़्यादा लोन लैन, लोन लैनगे बिजनेस एक्सपैंड होएगा, बिजनेस एक्सपैंड होएगा तो इतने जड़ा है पैसा आएगा। हाँ जी, ये समझ आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं समझ आया दसो, ये क्वेश्चन समझ आया सारे नू? यस गाइस, जल्दी नाल दसो ये क्वेश्चन समझ आया? यस, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? सारे नू समझ आया? कोई बच्चा इदा दा जिन्हों ना समझ आया होवे? क्लियर है? चलो ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आर, किन्ने क्रोमोजोम्स जड़े है सानू देखन नू मिलते ने? अगले क्वेश्चन दी और, किन्ने क्रोमोजोम्स जड़े है सानू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दे विच देखन नू मिलते ने? देखो सब तो पहला तो क्रोमोजोम्स की होंदे ने, इन्हां नू आपां कहने आ कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंदे ने, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिवें आ तुहाडा सैल है, सैल दे अंदर एक न्यूकलियस होंदा है, न्यूकलियस नू आपां कहने ब्रेन ब्रेन ऑफ द सैल, ये कुछ इस तरीके नाल होंदे ने इत्थे, ठीक है, ये एवें होंदे ने, ओके। हुण क्रोमोजोम्स जिहड़े होंदे ने टोटल किसी भी ह्यूमन बीइंग दे विच 23 पेयर होंदे ने, एक्स वाई का कॉम्बीनेशन, एक्स एक्स का कॉम्बीनेशन होंदा है,
ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਫਾਦਰ ਹੈ ਮਦਰ ਹੈ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਐਕਸ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਬਣੋਗੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਅਗਰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਫੀਮੇਲ ਔਰ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈ ਔਰ ਮਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਮੇਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਲ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੈਦਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਮੇਲ ਰਹੋਗੇ ਫੀਮੇਲ ਰਹੋਗੇ 22 ਪੇਅਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬੋਲਣਾ ਆਦਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਟਲ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ 23 ਅਗਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ 46 ਕਿਉਂਕਿ 23 ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 46 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗਾ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬੱਚਾ ਨੋਟ ਵਾਈ ਐਕਸ ਐਕਸ ਵਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਵਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਲੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਜੂਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਜੋ ਕਿ ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੈਸ ਇਜ ਅ ਲਾਰਜ ਮਾਸ ਆਫ ਸਨੋ ਐਂਡ ਆਈਸ ਐਟ ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਦੈਟ ਸਲਾਈਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਸਲੋਪ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵੋਲਕੈਨੋ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲੈਂਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਵੈਂਚੀ ਵੋਲਕੈਨੋ ਤਾਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਂਬ ਆਫ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਸਿਚੁਏਟਿਡ ਹਾਂਜੀ ਬੀ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦਾ ਅਗਰ ਟੋਂਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਔਫ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਬਾਈ ਫੂਲਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫੂਲਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿ ਫੂਲਬਾਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ
एन इनर्ट गैस मिक्सड विद ऑक्सीजन, ठीक है, जो जिन्हों कह लो ब्रीथिंग दे विच प्रॉब्लम होंगी है, कि इनर्ट गैस नू मिक्स मिक्स किया जाता है? हाँ जी, केड़ी इनर्ट गैस नू मिक्स किया जाता है? ऑप्शन दिते गए ने हीलियम, क्रिप्टम, रेडन या आर्कन। मैं तुहानू कल साइंस की क्लासेस विच भी दस्या सी, इहनू आपां कहिंदे ट्राई मिक्स, है ना। जदों आपां डीप डाइविंग करते हैं ना, उदों भी यह गैस इस्तेमाल होंगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो आंसर जिहड़ा है हीलियम होएगा, इहनू हीलोक्स कहिंदे आ, ठीक है, जो मिक्सचर होंगी हीलियम तो ऑक्सीजन का, जिन्हों ब्रीथिंग दे विच प्रॉब्लम होंगी ना, हीलियम तो ऑक्सीजन मिलाया जाता है। नॉट बच्चा रेडन कितना होएगा, हीलियम, हीलियम। ओके, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अगले क्वेश्चन दी और, बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन है, अगे वाद दें। 26 नवंबर 1949, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल? कुंचिकल फॉल्स फर्स्ट, जॉग फॉल्स सेकेंड, थर्ड हाईएस्ट दसनी है, थर्ड हाईएस्ट। हाँ जी, थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बच्चा थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल जी है थलियार फॉल्स होंदिया ने, जॉग फॉल्स भी कर्नाटका दे विच है, कुंजिकल फॉल्स भी कर्नाटका दे विच है, थलियार फॉल्स भी कर्नाटका दे विच ही है, ठीक है। तो आंसर जरा है इतने अपना की आ जाएगा, डी इज़ अ राइट आंसर, थलियार वाटरफॉल इज़ अ थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल। द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स कम अंडर विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केड़ी लिस्ट दे विच स्पोर्ट्स सब्जेक्ट जड़ा है तुहानू देखण नू मिलता है? तीन तरीके की लिस्ट होंदी है, जिवें इत्थे लिखिया गया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट दे विच पार्लीमेंट भी लॉ बना सकती है ते स्टेट लैजिस्लेचर भी। स्टेट लिस्ट दे विच जड़ा है स्टेट लैजिस्लेचर बनाएगी, यूनियन लिस्ट दे विच पार्लीमेंट। रेजिडरी लिस्ट दे विच पार्लीमेंट ही बनाती है। रेजिडरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होंगे जो लैफ्ट आउट हो जाते हैं, जो ना तो यूनियन लिस्ट दे विच डिफाइन है, ना स्टेट लिस्ट दे विच, ना ही कंकरेंट लिस्ट दे विच। हाँ जी, स्पोर्ट्स सब्जेक्ट जिहड़ा है बच्चा वो स्टेट लिस्ट दे विच आंदा है, स्टेट लिस्ट दे विच। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सीगा है। हाँ जी, यस, नहीं बच्चा ये अपना आंदा है कि दे विच स्टेट लिस्ट दे विच, ठीक है। विच लीडर गेव अस द सीआर फॉर्मूला? चितरंजन दास ते मोतीलाल नेहरू नू अगर मिलाया जाए तो उन्होंने जिहड़ा है स्वराज्य पार्टी की स्थापना की सी, है ना। तो बट सी आर फॉर्मूला किहदे द्वारा दिता गया सी? सी आर राजा गोपालचारी के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करता है मोनिटरी पॉलिसी? बहुत ही ईजी जहा क्वेश्चन, हजे करके ही हटे हो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन दी और, हाँ जी, आंसर जिहड़ा है कि आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जिहड़ा है वो तुहाडा मोनिटरी पॉलिसी करता है, और अगर आप देखिए जिहड़ा फिस्कल पॉलिसी जिहड़ी है वो रिलीज़ की जाती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज़ अनअफेक्टेड बाय चेंज इन? हाँ जी, स्पीड ऑफ साउंड जिहड़ा है किहड़ी चीज़ उत्ते इफेक्ट नहीं करती है? अगले क्वेश्चन दी और, सी इज़ द राइट आंसर, टेम्परेचर। नहीं बच्चा, टेम्परेचर करेगा, आंसर जड़ा है प्रेशर आएगा। देखो स्पीड ऑफ साउंड मतलब साउंड कदों तेज़ी दे नाल चलता है, जदों टेम्परेचर वधदा है ना तो जिहड़े एयर मोलीक्यूल्स होंदे ने होर तेज़ी दे नाल अगे जांदे ने, क्योंकि हर एक चीज़ एटम दे नाल बनी है। एटम जिहड़े तेज़ी नाल घूमना स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी आंदी, तेज़ी नाल मूव करते हैं। साउंड जिहड़ा होंदा उहनूं मीडियम चाहिदा होंदा ट्रैवल करवाउण दे लई, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड जी टेंपरेचर के इनक्रीज़ होंगी है,
उस तो बाद ह्यूमिडिटी दे नाल भी इनक्रीज़ होंदी है, वॉल्यूम दे नाल हो सकती है, डेंसिटी दे नाल, बिल्कुल वॉल्यूम डेंसिटी भी रिफर करती है, बट ह्यूमिड प्रेशर नहीं अफेक्ट करता। 1967 दे विच इन्हां विचों कौन-कौन लैंग्वेज सी जिसनों इनकलूड किया गया सी स्टेट लैंग्वेजिज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच। अगले क्वेश्चन दी और फोर्टीनथ लैंगुएज सी, फिफ्टीनथ लैंगुएज सी जिसनों लेके आया गया सी, यस 15वीं लैंग्वेज सी ये सीगी सिंधी। वलियार डैम इज विद इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। अगले क्वेश्चन दी और अगला क्वेश्चन, हाँ जी वलियार डैम जिहड़ा है ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट दे विच आंदा है, डैम पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और एक वलियार रिवर उत्थे हुंदी है जिथे ये कंस्ट्रक्टेड हुंदा है। ठीक है नहीं बच्चा, बस मैनू पता है तुसी सारे थक गए हो क्योंकि ये क्लास बहुत हैवी होगी, बट ये बहुत सारे होर भी क्वेश्चनज है, ये सारे क्वेश्चनज तुहानू ऐप दे विच मिल जाएंगे, मैं PDF जी पा दाँगी नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच लिखा GKGS विद यशिका, वो सर्च आउट कर लेना। एक होर बहुत इंपॉर्टेंट गल, गांधी जयंती है सारे नू पता है, शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, संविधान डे भी आ जाता अपना, ठीक है कल तो उससे साढ़े पंजाब बजट 24/7 से अगेन ऑफर चल रहा है बच्चा, ऑफर पंजाब के महापैक से है, पंजाब का महापैक की है जिदे एक सबसक्रिप्शन 2 साल टेंशन लैन की लड़ नहीं, तुम कोई भी कोर्स जो है देख सकते हो, तो अपने PSSB सीनियर असिस्टेंट 11 अक्टूबर चंडीगढ़ का बैच चल रहा ऑलरेडी, बहुत सारे बैचेस जोड़े रन हो रहे हैं, तो अज पंजाब का महापैक जोड़ा है 1840 का पेगा। ठीक है इस तो भी सस्ता पै जाएगा, 1740 का भी 100 रुपया होर सस्ता पै जाएगा अगर तुम ऐप इंस्टॉल करके ले लो। इस परचेज करने के लिए बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हो और इतने कूपन कोड जोड़ा है अप्लाई करो, वो कूपन कोड है YAT77 जिवें इतने मैं कूपन कोड लगानी हाँ YAT77 जिदा ही अप्लाई करोंगे जिहड़ा प्राइस है वो कोर्स का कट के 1840 हो जाएगा, इस तो भी सस्ता मिल जाएगा, ऐप इंस्टॉल कर लेना, कॉइन्स लगा लेना। ठीक है तो इस दे विच डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है, डबल वैलिडिटी ऑफर का मतलब 2 साल लिए पंजाब का महापैक जिहड़ा है मिल रहा है तुहानू, और सीनियर असिस्टेंट का भी ये है, पंजाब पटवारी का भी है, वीडियो की भी तैयारी कर लोंगे, बुनियाद बैच भी साढ़ा थर्ड स्टार्ट होने वाला है, सक्सेसफुल साड़ा रहिंदा है। और एक होर गल है इस क्लास की जिहड़ी PDF है तुहानू ऐप दे विच भी मिल जाएगी, प्लस टेलीग्राम पर भी मैं दे दाँगी, और इहदा जिहड़ा प्राइस है 1740 हो जाएगा अगर ऐप इंस्टॉल कर लेने हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के जाके कर सकते हो, कोड तुम लगाना है YAT77। ठीक है जी चलो, आई होप यू लाइक द क्लास, आज की क्लास तुहानू पसंद आई होवे, काफ़ी डिटेल दे विच आपां हर एक क्वेश्चन जिहड़ा है डिस्कस किया, पता लग गया सीगा थोड़े जे थक गए हो है ना, PDF उत्थे मिलेगी बच्चा ऐप ते। हाँ जी हैगी है बच्चा, होर कोई क्लासेस अगे बहुत सारे थोड़े मैराथन रखे हुए हैं, आई थिंक थोड़ी स्टार्टिंग GK की क्लास है 12:30 बजे, तुम वो भी ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, आई होप यू लाइक द क्लास।